हेलो एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो सबको पहले राधे राधे। तो मैं और मेरी बेटी तैयार हो चुके हैं और मेरे साथ मेरी सासू माँ भी जा रही हैं। तो हम लोग राम और सीता। और यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये है 52 अवतार कृष्णा का। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, मतलब जितना भी घूमूँ मन को शांति मिलती है, मतलब थकान नहीं होती। इतनी धूप में भी हम लोग घूम रहे हैं बट बहुत शांति मिल रही है। और मेरी बेबी को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो भी कृष्णा जी की बहुत बड़ी भक्त है, क्योंकि वो हर टाइम कृष्णा जी की सॉन्ग सुनती रहती है तो उसको भी बोरिंग फील नहीं होता। ये देखिए कृष्णा जी। और यहाँ पे है चैतन्य महाप्रभु, ऋषि मुनि
बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, आप लोग देखिए और मुझे ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा कि मंदिर त्रिपुरा का जगन्नाथ का टेंपल। मैं आप लोगों को जगन्नाथ जी का मूर्ति और किसी दिन दिखा दूँगी और एक ब्लॉग करके, आज नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था हम लोगों को यहाँ पे आने में, तो दरवाज़ा बंद हो चुका था जगन्नाथ जी का। ये है माता रानी दुर्गा और ये है, ये जो गोवर्धन पर्वत लिया हुआ है कृष्णा ने उंगली पे, बहुत सुंदर है। मेरी बेटी दिखा रही है, मम्मा ये करो ये करो वो करो वो करो, मैं तो कभी कभी ये छोड़ भी दूँ बट वो नहीं छोड़ने देती। बहुत सुंदर है ये मंदिर। ये देखिए काला का दमन, फिर यहाँ पे कृष्णा जी का जन्म कैसे हुआ वो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घोड़े बनाए हुए हैं। ये देखिए ये है फ्रंट गेट जगन्नाथ का और यहाँ पे कृष्णा को बंधा हुआ है। ये है पूतना वध, ये तुलसी माता कितनी सुंदर है, यहाँ की तुलसी रानी भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग देखिए यहाँ की फिश देखिए, मतलब यहाँ के फिश खाते नहीं, बस ये इसी पॉन्ड में रहते हैं, बहुत